नमस्कार, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। देश में कई अपराधों के साथ एक अपराध ऐसा भी है जिसको सुनते ही लोग कान और दिमाग दोनों बंद कर लेते हैं, क्योंकि इसको एक धर्म से जोड़कर देखा जाने लगता है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता। भारत में किसी भी धर्म, जात, रेस के कोई भी युवक युवती जिनकी उम्र 21 और 18 साल से ऊपर होती है, क्रमशः वो शादी कर सकते हैं और ये बिल्कुल ठीक भी है। लेकिन जब एक युवक अपना धर्म छिपाकर युवती से शादी करता है तो उसे बोलचाल की आम भाषा में कहते हैं लव जिहाद। आज हम आपको बीते कुछ सालों में हुई ऐसी ही घटनाओं जो कि लव जिहाद से ताल्लुक रखती है के बारे में बताएंगे, जिसके जरिए आपको समझ आएगा कि कैसे प्यार के नाम पर एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन एक संवेदनशील मुद्दा है। इसको नजरअंदाज करने का नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है, यह आज आप समझ सकेंगे। लोग अक्सर ऐसी बातें सुनकर कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक रिपोर्टर होने के नाते मैंने कई पीड़ितों से खुद बात की और बीते कुछ सालों की कई मीडिया रिपोर्ट्स को इकट्ठा किया है। एक एक करके इन सभी रिपोर्ट्स को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आज मैं आपको इन घटनाओं के जरिए पूरे देश का भ्रमण कराऊंगा, जिससे आप समझ सकेंगे कि लव जिहाद एक बेहद गंभीर समस्या है। मैं जो तथ्य और बातें आपको बताने जा रहा हूं, उससे आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी और यह आपको सुरक्षित रखने में भी मदद करेगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं झारखंड के हजारीबाग की, जहां रहीम ने अर्जुन बनकर एक महिला के साथ रॉन्ग नंबर मिल जाने के बाद दोस्ती की और इसके बाद उसके घर पहुंच गया। चार दिन उसके घर में उसके साथ रहने और यौन शोषण करने के बाद जब वो वापस जाने लगा तो महिला ने शादी की बात की, जिसके जवाब में युवक ने कहा कि वह अर्जुन नहीं, दरअसल रहीम है और शादी के लिए महिला को धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। जिसके बाद मामला थाने पहुंचा और पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी युवक को जेल भेज दिया। अब बात करते हैं दूसरे मामले की। ये हरियाणा के पलवल से है, जहां तीन बच्चों के पिता आरिफ ने हिंदू महिला से हिंदू बनकर शादी की और शादी के बाद महिला को बताया कि वो दरअसल मुस्लिम है और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, नहीं मानने पर जिंदा जलाने की धमकी दी। इसके बाद जब महिला घर से भागी तो आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़िता के साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया था। अब बात करते हैं तीसरे मामले की। ये तीसरा मामला है जहां दानिश ने राज उपाध्याय और जॉन सलूजा बनकर पहले तो एक हिंदू महिला से शादी की, उसके बाद उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला। दानिश महिला को जाकिर नायक और आईएस चीफ बगदादी की वीडियो भी दिखाता करता था। जब महिला ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने उसके साथ जमकर मारपीट की। वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी और आरोपी ने उसका अबॉर्शन भी करा दिया। अब बात करते हैं चौथे मामले की। यहाँ शाकिर नाम के एक युवक ने अमन बनकर एक हिंदू महिला को अपने प्यार में फंसाया, जिसके बाद महिला अपने घर लुधियाना से भागकर और 25 लाख रुपए लेकर शाकिर के पास मेरठ पहुंच गई। जो पैसे लेकर महिला वहां पहुंची थी उनको हड़पने के बाद शाकिर के परिवार ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने किया था। बात करते हैं पांचवें मामले की। मेरठ में शमशाद ने अमित गुर्जर बनकर एक महिला को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उस महिला और उसकी एक बच्ची को अपने घर लाकर रखने लगा। लेकिन जैसे ही महिला को शमशाद की असली पहचान के बारे में पता लगा और वो जाने लगी तो शमशाद ने महिला और उसकी बेटी की हत्या कर दी और उनको घर के पीछे दफना दिया। अब बात करते हैं अगले मामले की। ये मामला है बंगाल से। बंगाल में शेख सुल्तान नाम के एक शख्स ने खुद को हिंदू बताकर एक महिला से प्रेम संबंध बनाए और उस महिला के घर शादी का प्रस्ताव भी भिजवाया। लेकिन जैसे ही महिला के घर वालों को उसकी असली पहचान के बारे में पता लगा तो उन्होंने शादी कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद शेख सुल्तान ने महिला की हत्या कर दी। अब बात करते हैं अगले मामले की। महाराष्ट्र में अजमल नाम के एक शख्स ने खुद को हिंदू बताकर एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने जब शादी करने को कहा तो युवक ने मना कर दिया। महिला के घर वालों ने जब आशीष पर शादी का झांसा देकर बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस ने जब आशीष से पूछताछ की तो पता लगा कि आरोपी युवक का नाम आशीष नहीं बल्कि अजमल है। अब बात करते हैं अगले मामले की। मेरठ में अब्दुल्ला नाम का एक शख्स जिसकी पहले से तीन पत्नियां और चार बच्चे थे, उसने अमन चौधरी के नाम से फेसबुक आईडी बनाई और एक नाबालिग लड़की को अपने झांसे में लिया, जिसके बाद उसका अपहरण कर उसके साथ रेप किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब्दुल्ला फेसबुक पर जवान दिखने के लिए नकली बाल लगाकर फोटो लगाया करता था और उसी फोटो के साथ वो आगे लोगों से बात भी करता था। अब बात अगले मामले की। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक हिंदू महिला ने अपने परिवार की मर्जी के विरोध में जाकर एजाज नाम के एक युवक से शादी की। शादी के बाद एजाज ने महिला से इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा। जब महिला कई बार कहने पर भी नहीं मानी तो एजाज ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। बात अगले मामले की।
साजन शेख नाम के एक व्यक्ति ने फेसबुक पर रोहित दास नाम की एक फेसबुक प्रोफाइल बनाई, मुंबई की एक लड़की से दोस्ती की। 6 महीने बात करने के बाद वो उससे मिलने मुंबई आया और कहा कि अगर उसने शादी नहीं की तो वो आत्महत्या कर लेगा, जिसके बाद महिला उसके साथ घर छोड़कर चेन्नई चली गई। चेन्नई आने के बाद साजन शेख ने उससे बुर्का पहनने के लिए कहा, जिसके बाद महिला को उसकी असली पहचान के बारे में पता चला और उसने साजन शेख की पुलिस से शिकायत की। अब बात करते हैं अगले मामले की। राजकोट में समीर नाम के एक युवक ने दलित हिंदू बनकर एक युवती के साथ दोस्ती की। जब युवती को उसकी असली पहचान के बारे में पता चला तो युवती ने उससे अपने संबंध तोड़ लिए, जिसके बाद समीर ने उसको परेशान करना शुरू कर दिया। इस सब से तंग आकर युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। बात अगले मामले की करते हैं। बागपत में एक मुस्लिम डॉक्टर ने अपनी पहचान छिपाकर एक हिंदी युवती को प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसके साथ 7 महीने तक शारीरिक संबंध बनाए। जब युवती ने शादी के लिए कहा तो डॉक्टर ने उससे धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा। इसके बाद बात पुलिस तक पहुंची तो पता लगा कि डॉक्टर पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। बात अगले मामले की। आगरा में एक युवती ने प्यार की खातिर धर्म की सारी दीवारें तोड़ दी। एक मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती से अपनी पहचान छिपाकर प्रेम संबंध बनाए। पहचान उजागर होने के बावजूद युवती ने आरोपी युवक से शादी की और धर्म परिवर्तन भी कर लिया, लेकिन उसके बाद उसके परिवार वालों ने युवती को बेरहमी से मारा पीटा और कई दिनों तक प्रताड़ित भी किया। युवती ने बाद में पुलिस को पूरा मामला बताया था। बात करता हूं अगले मामले की। जबलपुर में रिजवान ने एक गुड्डू पटेल बनकर एक हिंदू युवती को अपने प्यार के जाल में फंसाया। युवती के घर वाले शादी के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन युवती के घर वालों को शादी से पहले ही युवक की असली पहचान के बारे में पता चल गया और उन्होंने शादी तोड़ दी। बात अगले मामले की। मेरठ में वसीम नाम के एक शख्स ने दिनेश बनकर एक हिंदू युवती को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसके साथ 2 साल तक शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसने युवती की अश्लील वीडियो भी बना ली, जिसकी शिकायत युवती ने पुलिस से की तो पूरे मामले का खुलासा हो सका। अब बात अगले मामले की। वासी में हेयर ड्रेसर के रूप में काम करने वाले अजमल ने MBA पास एक हिंदू लड़की का किसी बहाने से नंबर निकालकर उसे प्यार के जाल में फंसाया, उससे शादी की और घर ले जाकर अपने साथी अफसाद, शानू और मसूद के साथ मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। बात अगले मामले की। मुरादाबाद के सफराज ने एक युवती को अपना नाम राज बताकर उसे दोस्ती की। उसके साथ मंदिर में जाकर वो पूजा भी करता रहा। बाद में सफराज ने युवती से शादी भी कर ली। शादी के बाद युवती को उसकी हकीकत के बारे में तब पता लगा जब उसके घर वालों ने उससे धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा। जब वो नहीं मानी तो उसे मारा पीटा और सफराज के भाई ने उसके साथ रेप भी किया। बात अगले मामले की। झारखंड में आरिफ नाम के एक युवक ने छोटू सिंह बनकर एक हिंदू युवती से दोस्ती की, उससे संबंध बनाए, फिर एक रोज शादी कर ली। शादी के बाद युवती को आरिफ की असलियत के बारे में पता लगा और ये भी मालूम हुआ कि आरिफ पहले से शादीशुदा है। जब उसने आरिफ से इस बारे में बात की तो आरिफ ने उसे 3 तलाक दे दिया। तो ये सभी रिपोर्ट्स भारत के अंदर पनपते एक ऐसे खौफनाक अपराध की तस्वीरें दिखाती हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। प्रेम एक पवित्र संबंध है, उसकी आड़ में अपना एजेंडा सेट करने वालों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सरकार क्या कानून बना चुकी है या कानून बनाती है उस पर बात इसलिए नहीं की क्योंकि पहले हमें जागरूक होने की जरूरत है। घटना हो जाने के बाद कानून का सहारा लेना एक अलग मुद्दा है, एक अलग बात है। फिलहाल देश को लव जिहाद के संक्रमण से निपटने के लिए भी वैक्सीन की जरूरत है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कल एक बार फिर Bharat@9 में रात 9 बजे आपसे बात होगी, आपसे मुलाकात होगी एक अलग मुद्दे के साथ, एक अलग टॉपिक पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।